हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ एडिटिंग टिप्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पोस्टर एडिटिंग के बारे में। दोस्तों अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है, गुड़ी पाड़वा के लिए आप अपने मोबाइल से एक बढ़िया सा पोस्टर बना सकते हैं गुड़ी पाड़वा के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का पोस्टर आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। दोस्तों इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड इमेज की जरूरत होगी, कुछ फॉन्ट की जरूरत होगी, कुछ पीएनजी इमेज की जरूरत होगी। दोस्तों इन सभी बैकग्राउंड इमेज को, इन सभी पीएनजी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप सभी इमेज को, सभी पीएनजी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सार्ट को ओपन करना है। तो दोस्तों पिक्सार्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज लेना है। बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड इमेज पे जाना है, इस इमेज को लेना है। इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे ऐड कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड इमेज पे जाना है। गुड़ी वाला इमेज है यानी गुड़ी पड़वा वाला इमेज है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ऐड इमेज पे जाना है आपको और इस इमेज को लेना है। दोस्तों ये एक शायरी है मराठी में, इस शायरी को यहाँ पर आपको रख देना है कुछ इस तरह से। अब आपको एड इमेज पे जाना है। गुड़ी पाड़वा वाला जो फॉन्ट है, पीएनजी फाइल है, इसको लेना है। दोस्तों इन सभी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इन सभी इमेज को, इन सभी पीएनजी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गुड़ी पाड़वा वाले जो फॉन्ट है उसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड करना है। तो दोस्तों अभी आपको ऐड इमेज पे जाना है। ऐड इमेज पे जाने के बाद इस वाले इमेज को लेना है और इस इमेज को कुछ यहाँ पर ऐड कर देना है। ये पीएनजी इमेज है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड इमेज पे जाना है और यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो लेना है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिये मैंने मेरा फोटो लिया, इसका भी हमें बैकग्राउंड निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये क्या करता है, आपके फोटो का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक निकाल देता है, बस आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फोटो का बैकग्राउंड निकल चुका है। इस फोटो को छोटा करके कुछ यहाँ पर आपको सेट कर देना है कुछ इस तरह से। अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एड इमेज पे जाना है, इस वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, इसको बड़ा करना है कुछ यहाँ पर रख देना है और ये जो ऊपर वाला इमेज है इसको आपको निकाल देना है कुछ इस तरह से। अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड इमेज पे जाना है, शुभेच्छुक वाला फॉन्ट लेना है। शुभेच्छुक वाला फॉन्ट लेने के बाद इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्क्रीन वाले ऑप्शन को पे आपको क्लिक करना है, फिर ये पीएनजी फाइल बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। फिर दोस्तों इसके आगे आपको आपका नाम डालना है, तो टेक्स्ट में जाना है, मैं मेरा नाम डाल रहा हूं। तो इस तरह से नाम डालना है आपको, आप चाहे तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको नाम डालना है, बड़ा करता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो दोस्तों इस तरह से नाम डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पोस्टर बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने मोबाइल से गुड़ी पड़वा का पोस्टर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।